एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से आम पन्ना की रेसिपी। इसके लिए हम कैरी को अच्छे से धो के छील के मोटा मोटा काट लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर कुकर रखेंगे। कुकर के अंदर एक बड़ा कप पानी डालेंगे। अब हम उसमें कटी हुई कैरी डालेंगे और ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए हमारी कैरी अच्छे से पक चुकी है। अब हम ब्लेंडर की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी कैरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सूखा पुदीना, 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच शक्कर, 1 बड़ी चम्मच गुड़। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 बड़ा कप ठंडा पानी डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए हम बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते डालेंगे और फिर आम पन्ना डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।